Assalamu alaikum and a very good morning. Jaago Lahore ke saath main hoon Syeda Armala Hassan. Umeed karti hoon aap sab bilkul theek honge, maze mein honge janab. Aur mere haath mein ek coffee kam aa gaya hai. Subah subah bad bhai itni achhi coffee de gaye hain. Aur uske baad jab aapka din ka aagaaz itna acha ho is acche coffee ke mug ke saath, to main umeed karti hoon ke aapka bhi din ka aagaaz bahut acha hoga. Jab subah aap chai pee rahe honge aur hamara show dekh rahe honge, to aapko bilkul ye ehsaas nahi hona chahiye कि आपके दिन में जब आप दिन का आगाज़ करें, टीवी ऑन करें, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले. हम आपको मैक्सिमम हद तक इन्फॉर्मेशन देंगे और मैं कॉफ़ी रख देती हूँ, उससे पहले कि मैं अपने पर गिरा लूँ. अच्छा जनाब, आपके दिन के आगाज़ के तौर पे हम कोशिश करते हैं 9 से 11 बजे तक कि मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन हो हम आप तक कन्वे कर सकें, चाहे वो कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पर हो, कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से हो, दुनिया भर में क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं. अच्छा जनाब, इंटरनेशनली टैटूज बनवाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं मुख्तलिफ तरह के और अनोखे किस्म के टैटूज भी बनवाते हैं और कुछ लोग बहुत भुलक्कड़ भी होते हैं. मैं दोनों चीज़ों को इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि जो ये आपको मैं रिसर्च या आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ इसी हवाले से कि एक भुलक्कड़ शख्स जो अपना शनाख्ती कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड हर वक्त घर भूल जाते थे, जनाब उन्होंने एक तरीका सोचा कि इसी आइडेंटिटी कार्ड की, शनाख्ती कार्ड की मैं टैटू बनवा लेता हूँ. और वो टैटू बनवा कर, क्योंकि क्लब्स में जब आप बाहर अब्रॉड जाएँ तो वहाँ पर आपको कहीं भी जाने के लिए अपना जो या तो आप पासपोर्ट शो करते हैं या आप अपना आईडी कार्ड शो करते हैं, तो दोनों सिचुएशंस में अगर आप कुछ भूल जाएं तो आपको वहाँ पर कुछ भी ख़रीदारी करने में प्रॉब्लम हो जाती है. समटाइम जब कहीं भी आपने जाना है तो वहाँ आपको आइडेंटिटी कार्ड शो करना होता है. लेकिन ये मौसूफ अपना आईडी कार्ड भूल जाया करते थे, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने हाथ पर अपना आईडी कार्ड छपा लेता हूँ ताकि कोई मांगे अगर मैं भूल गया हूँ तो ये हाथ दिखा दूँगा. तो मतलब ये आसान तरीका था, लेकिन ये आसान तरीका ना लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया. और जब इन्होंने सोशल मीडिया पर, इनके एक फ्रेंड ने इनकी एक पिक्चर अपलोड की और उसमें लिखा नीचे कि जनाब मेरे दोस्त जो हैं वो हर जगह ये भूल जाते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि टैटू बनवा लिया जाए, तो जो बहुत सारे टैटू लवर्स थे उनको तो ये टैटू अव्वल तो बहुत बुरा लगा. उन्होंने कहा ये बदतरीन किस्म का टैटू है, ये कोई टैटू बनवाने वाला. और कुछ ने कहा कि जनाब टैटू बनाया जिसने उसमें गड़बड़ है, ये उसने टैटू नहीं ठीक बनाया. तो मतलब लोग तो किसी हाल में खुश नहीं हो सकते, तो इन्होंने भी खुश ना करने का तरीका ऐसे ढूंढा कि इन्होंने टैटू बनवा लिया. और जनाब ये तबसरे जा रही हैं, कमेंट्स जा रही हैं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत जाली किस्म का टैटू लगता है जो उन्होंने बनवाया. कुछ ने कहा कि ये तो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और क्या ऐसा भी हो सकता है. और जो आर्टिस्ट है उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा जनाब कि जब ये शख्स मेरे पास टैटू बनवाने आए थे तो मैं अव्वल तो पहले बहुत रिलक्टेंट था, लेकिन बाद में उन्हें बना दिया इनके बहुत सारे इसरार पर और हाथ से बनाया गया, इसलिए इसमें इतनी नफासत या सफाई नहीं है. लेकिन जनाब अब मेरे ख्याल से जितना बुरा ये शनाख्ती कार्ड इनका बना हुआ ना, इनको फिर भी वो आईडी कार्ड मांगते ही होंगे कि दिखाएं भाई किधर है. लेकिन कोई बात नहीं, जनाब टैटू बनवाया है, शौक है, वही हमेशा कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, आप जब दिल करते हैं जो दिल करता है कर सकते हैं. अच्छा जनाब, इसके साथ साथ अब हम आपके साथ अगली एक रिसर्च करेंगे शेयर. और वो रिसर्च क्या है, वो जापान में हुई है. जापान में क्या हुआ है जनाब, आपने अक्सर देखा है जब किसी ने किसी को प्रपोज करना हो या किसी ने शादी का पैगाम भिजवाना हो तो लोग बहुत शर्माते हैं, कुछ बात नहीं कर पाते, कोई इनिशिएट नहीं कर पाता कन्वर्सेशन को. तो इसका जो हल है वो जापानीज ने बड़ा आसान ढूंढा और उन्होंने ये किया है कि जनाब जो शादी के ख्वाहिशमंद अफराद थे उनके लिए उन्होंने गेट टुगेदर या मीटिंग्स ही अरेंज की. और इसके अंदर जनाब उन्होंने रोबोट्स को रखा कि वो आपस में बातचीत करेंगे उनके बिहाफ पर. और इसमें सर्वे के थ्रू जो 45 के करीब क्वेश्चंस थे जो अमूमन आप किसी से पूछते हैं वो इन रोबोट्स में फीड कर दिए गए थे. वहाँ पर आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि जो शादी के ख्वाहिशमंद अफराद थे वो खामोशी से टेबल पर बैठे हुए, जबकि उनके बिहाफ पर ये जो छोटे छोटे रोबोट्स हैं ये एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और कन्वर्सेशन कर रहे हैं. और ये ऑलरेडी फीड किए गए थे इनके अंदर सवाल, और बाद में आप इस सवालों की नौयत से या जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाज़ा कर लेते हैं कि अब मज़ीद हमें सामने बैठे शख्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए. तो लिहाजा जनाब ये छोटी सी एक कह लें मस्नूई जहानत टेक्नोलॉजी और उसकी मदद के साथ ये चीज़ की गई. और इस तकरीब की जो वीडियो है इस ये सोशल मीडिया पर आई और उसमें दिखाया जा रहा है, आपको भी हमने सोचा ये दिखाया जाए. तकरीब में तकरीबन 28 अफराद ने शिरकत की और रोबोट्स के बोलने की वजह से वो एक दूसरे को समझने में उनको हेल्प मिली, उनका ये कहना था. और ये जो रोबोट्स हैं ये जापानी कंपनी है, उनकी हेल्प से बनाए गए हैं. और इस 28 लोगों में से तकरीबन चार जोड़ों ने ये फैसला किया है कि वो इस कन्वर्सेशन के बाद आपस में एक
लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं और उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। और ये सर्विसेज जो हैं जनाब जापान में बहुत पॉपुलर हो रही हैं, मतलब नहीं हमारे यहाँ तो पूरा कब्बर पलटून पूछती है सवाल, अम्मा से लेके फुप्पा चाचा दादा दादी सब आ जाते हैं भाई, जो रिश्ते वाला मामला हो ये रिवॉर्ड्स के जरिए शादियाँ करें, मतलब जिद्दत तो आ गई है। चलिए जनाब ये तो इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमने आपके साथ शेयर कर ली। मुझे वैसे रिसेंट बन के सुबह भी बहुत हंसी आ रही थी कि मतलब हमारी फैमिलीज में ऐसे कोई शादी का तसव्वुर करके दिखाए, मतलब जब तक आप लड़का लड़की आपस में भी क्या पूरी जब तक खानदान या पूरा ग्रो नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं ऐसा मामला हो सकता। अच्छा जनाब इसके साथ साथ एक आलमी रिकॉर्ड बना है, वो आलमी रिकॉर्ड क्या बना है कि जो डेनिम है यानी जीन्स का एक पैंट है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी पैंट करार दिया जा रहा है और वो बनाई गई है। और जनाब एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने 22 मंजिला हमारा जितना जीन्स का एक पेयर बनाया है और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज कर लिया गया है। पेरिस में हुआ है जनाब और एक फैशन ब्रांड के साथ मिलकर इस जीन्स को बनाया गया है और इसे एक मॉल में नुमाइश के लिए पेश भी किया गया है। इस जीन्स को बनाने के लिए तकरीबन 50 के करीब अफराद की एक टीम ने 6 माह तक काम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक की है कि 215 फुट ऊंची और 140 फीट जो चौड़ी ये दुनिया की सबसे बड़ी जीन्स है। और जीन्स को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसका वजन जो है तकरीबन 6 टन के करीब है और ये संडे तक जो कि कल नुमाइश के लिए मौजूद रही है। इसमें 10,000 जो है बार बार इस्तेमाल होने वाले बैग भी बनाए जाएंगे। उन बैग्स को इसी डिपार्टमेंट स्टोर में फ़रोख करके प्लास्टिक के वो जो मटेरियल है उसकी जो इस्तेमाल में कमी के हवाले से भी हेल्प की जाएगी। मतलब जीन्स बनाने के लिए इतनी बड़ी इस बंदे क्या जीन्स, लेकिन अच्छा है रिकॉर्ड बनाना था जनाब, उन्होंने बना लिया, कुछ ना कुछ ढूंढ लिया तो ये बन गया रिकॉर्ड, अच्छा है मज़ेदार है। अच्छा जनाब ये तो हमने आपके साथ रिसर्च शेयर कर ली है, लाहौर में जो जो उनसे इवेंट्स होने जा रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इन इवेंट्स के हवाले से जनाब एम्पोरियम में स्प्रिंग फेस्टिवल हो रहा है और इसकी टाइम होगी सुबह 11 बजे तक। स्प्रिंग फेस्टिवल में जनाब मैं कल देख रही थी तो यहाँ पर कुछ इन्होंने एग्जीबिशंस के लिए लगाई हुई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पर जारी हैं, गेमिंग जोन बनाया हुआ है, तो मतलब ये कुछ स्प्रिंग फेस्टिवल्स है, कुछ सेल्स वगैरह भी लगी हुई हैं, तो जो शॉपिंग करना चाहती हैं ख़वातीन वो यहाँ पर जा सकती हैं। अच्छा जनाब गेम ऑफ लॉन्स है और ये 12 बजे पैकेजेस मॉल में होने वाला है जनाब। और ये लॉन चूँकि अब सीज़न आने वाला है और पाकिस्तान में लॉन का बिज़नेस तो कभी भी ठंडा नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से स्प्रिंग से ही शुरू हो जाएगा ये एक्टिविटीज़ और लॉन आना शुरू हो गई है, लॉन्च होना शुरू हो गई है, तो आप लॉन के कपड़े भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट इवेंट आता है जनाब लर्न स्पोकन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है अल्फा टावर नेट में और टाइमिंग होगी इसकी 12 बजे। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ वर्कशॉप्स होंगी यहाँ पर, अगर आप जाना चाहें तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। अच्छा जनाब कैंसर अवेयरनेस मंथ 2019 25 फेब और ये है नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, कैंसर अवेयरनेस के हवाले से कुछ एक्टिविटीज हैं। अच्छा जी जनाब अगला इवेंट है स्टूडेंट्स डील एट कुकुस डीन और ये आपको पता है न्यू फूड स्ट्रीट में है, सुबह दोपहर 12 बजे इसकी टाइमिंग है और ये रोशनाई गेट जो है फूड स्ट्रीट फोर्ट लाहौर में है और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, इसका व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा जनाब हमने आपको इवेंट्स तो बता दिए लाहौर में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमने न्यूज़ स्टोरीज पे भी डिस्कशन करनी है और भी मेहमान हम ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए जागो लाहौर।